भटकती हुई आत्माएं प्रवेश कर जाती, वायुमंडल में बहुत भटकती है। एक ऐसा ही व्यक्ति मुझे कुछ समय पहले अपने गांव में मिला था, मैं यहाँ रहता था, करने आता रहता था, उसको कुछ नहीं आता था। और ऐसी सिद्धि थी जो जिन्न वाली सिद्धि होती है, जिन्न भूत वाले जिन्न जो बड़े शक्तिशाली होते हैं ना, कोई चीज कहीं से लेके आते हैं, मिठाई ले आएंगे, पैसा निकाल लेंगे। जो बचपन याद आता है मुझे, क्लास में बिठाया गया, अपना क्लास रूम है जहाँ पर मुरली चलती है गांव में, और वो भाई आया सामने बैठा और आते ही थोड़ा ऐसे ऐसे गर्दन किया और एक चादर ऐसे बिछाई और चादर के अंदर ऐसे हाथ किया ऐसे 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 और नए नए नोट भर दिए उसको चादर। बहुत अच्छे अच्छे नोट कहाँ से लाया है नहीं, किसी के पास नहीं थे। ऐसे आगमन की और जिन की आत्मा का आह्वान किया और ऐसे ही नोटों से पूरा ही स्थान भर गया नए नए नोट, और मुझे कहता है नोट आप ले लो। और मैं चाहता हूँ ये जो व्यक्ति जिसमें मैंने प्रवेश किया है ये मेरा कहना नहीं मानता है, आप अगर एक बार लुबान पर या कुछ ऐसे जगह है ना जो जुमा करते हैं लुबान का और ऐसा जिन लोगों को बहुत पसंद होता है, इसमें आप लुबान डाल दो आप पर, मैं आपको मदद करूंगा। मैंने कहा भाई जो आप संकल्प दे रहे हैं वो संकल्प की बात, हम किसके बने हैं, हमको कौन मिला है, हमें आपका एक पैसा आपका धन नहीं चाहिए, मैं इसके लिए नहीं आया। मैंने कहा था कहीं आग पर लुबान हो गया, उन्होंने कहा जब मैंने उसको जवाब दे दिया तो चला गया। अब वो जो नोट आ गए थे फिर मैं उस भाई से बोला ये पैसा क्या करेंगे, बोला उसका डायरेक्शन है आप अपने लिए इस पैसे को केवल 10% यूज कर सकते हो और 90% को आपको दान में और सेवा में लगाना पड़ेगा, और अगर मैंने गलती कर दी तो मेरी बुरी हाल कर देगा, बहुत परेशान करेगा, बहुत तंग करेगा, और इसलिए मैं कल डूबता हूँ, कभी पानी के अंदर डूबो देता है, कभी कहीं गिरा देता है, तो आत्मा तो पावर नहीं होती। और बोला आपको पता नहीं चलता है मुझे दिखाई देता है इस वायुमंडल में 80-90% आत्माएं भटक रही है, साकार में कम है भटकती भी ज्यादा है। ध्यान देना मैं ये बात जो कह रहा हूँ इस बात को समझना, अगर कभी भी आपके संकल्प साधारण है, नेगेटिव है, व्यर्थ है और उसी इच्छा वाली आत्मा वहां से त्रास कर रही है तो हिसाब किताब न होते हुए भी प्रवेश कर जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसकी इच्छा पूर्ति आपके द्वारा हो रही है। इसलिए बहुत अटेंशन दो समय अनुसार, ऐसे परिस्थितियां बन रही है, अचानक मान लो 100, 200, 500, 1000 शरीर छूट गए, भूकंप आया हजारों आत्माएं शरीर छोड़ गई, तूफान आया, सुनामी आई, बहुत सारे लोग मरे, मुझे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अचानक 70-80 खत्म हो गए, कहाँ रहेंगी आत्माएं, घर रहेंगे, परम धाम तो जा नहीं सकते, ये भी नहीं खुला है, और गर्भ इतने हैं नहीं तैयार जो जाके प्रवेश कर जाए घर में, गर्भ में आ जाए बच्चे बन जाए आके कहाँ जाएंगे भाई, इसी वायुमंडल में जहाँ कुछ हिसाब किताब होंगे वहाँ भूलती रहेंगी, वायुमंडल में भटकती रहेंगी। और जिस प्रकार के संकल्प लेकर के शरीर छूटा, अगर अच्छे पवित्र कर्म करके गई है तो छाया उनके साथ अच्छी है, जलाती नहीं है, और अगर नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प लेके गए हैं तो काली छाया बन जाएगी। छाया कैसे बनती है, हमारे संकल्पों से ही शरीर निर्माण होता है, तो शरीर छोड़ने के समय जिस प्रकार के उसके संकल्प हैं उसी प्रकार की छाया लेकर तो भटकती है। आवश्यकता क्या है,
हम सब इतने शुद्ध और पवित्र विचारों में रमण करें, जो हमारा उरा हमारा आभा मंडल उन आत्माओं को मुक्ति दे, शक्ति दे, सकाश दे, जो हमारे नजदीक में ना सके। और जिस स्थान पर आप रहते हो, बाबा कई बार कहते हैं जैसे स्थान की सुरक्षा के लिए तारे लगाई जाती है, कांटे लगाए जाते हैं, चारों तरफ से उसका घेराव कर दिया जाता है ताकि कोई दुश्मन, कोई भी चोर, कोई भी व्यक्ति उस स्थान से न कर पाए, घुस न पाए, सुरक्षा के साधन बनाए जाते हैं। जिस स्थान पर हम निवास करते हैं उस स्थान को अपने पवित्र वाइब्रेशन और योग की करंट से शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, सुरक्षा आवश्यक है। इस समय इतनी पवित्र किरणों के द्वारा इस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाओ, आप भी सुरक्षित हो जाएंगे, आपके साथ वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे और स्थान पर जो आत्माएं मुक्ति है सारा मिले। इसलिए आवश्यकता है अपने विचारों के ज्ञान और योग के चिंतन से बहुत शुद्ध और पवित्र।